हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स नॉलेज प्रमोशन। आज हम चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। 1500 फैमिलीज विद टू चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड रैंडमली एंड द फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्डेड। यहां पर जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसमें क्या देखा गया कि 475 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें टू गर्ल्स हैं, 814 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें सिर्फ एक गर्ल है एंड दूसरा बच्चा जो है वो बॉय है, एंड 211 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें एक भी गर्ल नहीं है। दैट मींस जो दो उसमें उस फैमिली में चिल्ड्रन है वो दोनों ही बॉयज हैं। तो इस तरह से ये 1500 फैमिलीज का डेटा हमें दिया गया है। नाउ कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग टू गर्ल्स, वन गर्ल एंड नो गर्ल। ओके, एंड ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटी इज 1। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले इन तीनों ही conditions में probability find करनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं total number of families कितनी है हमारे पास। total number of families है 1500। Now first part, probability of a family having two girls। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें दो गर्ल्स हैं, वो है 475। ओके, तो यहां हम लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग टू गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, ओके, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 475 अपॉन 1500, एंड इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं 25 से, एंड ऊपर की तरफ ये आ जाएगा 19 एंड नीचे आ जाएगा ये 60। ओके, यहाँ पर ये हमने 25 से कैंसिल आउट करने पर 19 अपॉन 60 आया। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली Having one girl, okay? तो सबसे पहले हमें लिखना होगा number of families having one girl upon total families, okay? तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऐसी कितनी फैमिलीज है जिनमें एक ही गर्ल है वो है 814। तो यहाँ आ जाएगा 814 अपॉन 1500। सो इसको हम 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2407 एंड यहाँ पर आ जाएगा 750। सो 407 एंड 750। ओके, तो इस तरह से हमने ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व किया। नाउ थर्ड, थर्ड में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ अ फैमिली Having no girl, okay? So सबसे पहले हमें लिखना होगा number of families having no girl upon total number of families, okay? So यहां पर क्या आ जाएगा, 211 इतनी फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें कोई भी गर्ल नहीं है एंड टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है 1500, 1500। नाउ यहाँ पर ये हमने तीनों ही पार्ट्स के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है। नाउ हमें फाइंड करना है कि क्या इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आता है, ये हमें चेक करना है। ओके, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं तीनों ही प्रोबेबिलिटीज कितनी आई है। सम ऑफ All probabilities, okay? तो इसके लिए हम यहाँ पर ये last में जो denominator है वो 1500 है, तो हम यहाँ पर भी सभी वो numbers ले लेंगे जिनके denominators 1500 है, जिससे हमें calculation में easy रहेगा। So first आया था हमारा 475 upon 1500 plus secondly था 814 upon 1500 एंड लास्ट था 211 अपॉन
1500। तो अगर ऊपर वाले सभी को ऐड किया जाए तो ये 1500 आता है एंड नीचे भी 1500 है, सो इट इज इक्वल टू 1। तो हमने ये चेक किया कि यस सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। ओके, सो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हमने इसके सभी क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर दे दिया है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वॉच योर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।